हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं शानू राणा। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल मास्टर स्टडी हब में। आज फिर से मिलते हैं करंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, नई एनर्जी के साथ। आज के जितने भी क्वेश्चन हैं आपके आने वाले एग्जाम NTPC SSC UP SSC DRDO MTS किसी भी एग्जाम में ये पूछे जा सकते हैं। और आज के जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से देखिएगा आप लोग। क्रिकेट से जितने भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं क्वेश्चन, वो मैं सब में लेकर के आ रहा हूँ, और जो भी बचे हुए रह जाएंगे वो आने वाली वीडियो में मैं कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरा मोटिवेशन बनाए रखिए। हर क्वेश्चन के साथ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी समझते हुए चलेंगे। वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। किस क्रिकेट विश्व कप के किसी भी मैच में सबसे अधिक रन बनाने वाले सबसे कम उम्र के आयु के बल्लेबाज 4 जुलाई 2019 को बने हैं, ये कौन बने हैं? ये बने हैं इकराम अली खील। कौन है ये? इकराम अली खील। इन्होंने ये सबसे कम उम्र के बन गए हैं, इन्होंने किसी भी मैच में सबसे अधिक रन बनाए हैं। अब इनकी एज कितनी है? इनकी एज है अभी 18 साल। कितनी एज है इनकी? 18 साल 278 दिन। 18 साल 278 दिन इनकी एज है, और इन्होंने 86 रन बनाए हैं। कितने रन? 86 रन बनाए हैं। जब 4 जुलाई 2019 को वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जो वर्ल्ड कप खेला जा रहा था, तो इन्होंने 86 रन उसमें बनाए थे। और इससे पहले ये रिकॉर्ड जो था वो हमारे मास्टर ब्लास्टर इंडियन क्रिकेट टीम के जो रह चुके हैं, और 1992 में सचिन तेंदुलकर ने जिम्बाब्वे के खिलाफ ये रिकॉर्ड बनाया था। उन्होंने 81 रन बनाए थे सचिन तेंदुलकर ने, और तब उनकी एज थी सचिन तेंदुलकर जी की 18 साल 318 दिन। कितनी थी? 18 साल 318 दिन। और अब इन्होंने नया रिकॉर्ड बनाया, 86 रन बनाए हैं, और सचिन तेंदुलकर से भी कुछ दिन कम हो रहे हैं इनके। और ये हैं कहाँ के? ये इकराम अली खील ये अफ़गानिस्तान के हैं। ये कहाँ के हैं? इकराम अली खील अफ़गानिस्तान के हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए सभी लोग। कौन 27 अप्रैल 2019 को पुरुषों के एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला बनी है? ये अंपायरिंग करने वाली पहली महिला बनी है। इनका नाम है क्लेयर पोलोसाक। कौन है ये? क्लेयर पोलोसाक है इनका नाम, और ये ऑस्ट्रेलिया की हैं। इन्होंने 27 अप्रैल 2019 को एक मैच हो रहा था नामीबिया के जो कैपिटल है विंडहॉक में, और नामीबिया वर्सेस ओमान के बीच हो रहा था ये मैच। नामीबिया वर्सेस ओमान के बीच ये मैच हो रहा था, तो वहाँ पर इन्होंने ये जो क्लेयर पोलोसाक हैं ये ऑस्ट्रेलिया की, इन्होंने अंपायरिंग की थी। और अब बात आती है यहाँ पर नामीबिया की जो कैपिटल है विंडहॉक है, और यहाँ पर ये ओमान कंट्री है, ये ओशियन कंट्री है। कौन सी कंट्री है? ये ओशियन कंट्री है, और इसकी जो कैपिटल है वो है ना मस्कट। क्या है ओमान की कंट्री, क्या कैपिटल क्या है? मस्कट है। तो उम्मीद है कि सभी को समझ आ रहा होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को मेरे पढ़ाए हुए में से डाउट लगता हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, IPL 2019 में मुंबई इंडियंस किसको हराकर चैंपियन बनी थी? ये IPL 2019 में मुंबई इंडियंस चैंपियन थी, आप सभी को मालूम होगा। ये चेन्नई सुपर किंग्स को हराया था मुंबई इंडियंस ने, और मुंबई इंडियंस जो है अब तक 4 बार चैंपियन रह चुकी है IPL के सीज़न में। ये 4 बार रह चुकी है। सबसे पहली बार ये 2013 में मुंबई इंडियंस जीती थी, फिर उसके बाद 2015 में जीती थी, फिर उसके बाद 2017 में मुंबई इंडियंस जीती थी, और 17 के बाद अब जीती है 2019 में मुंबई इंडियंस ये जीती है IPL का खिताब। और ये चेन्नई सुपर किंग्स को हराया है। चेन्नई सुपर किंग्स भी 3 बार विनर रह चुकी है, और ये अभी मुंबई के हाथों हार हुई है। अब बात आती है कि इसमें कैप्टन के बारे में पूछा जा सकता है कि किसकी कैप्टनशिप में ये चारों प्रारूप जीते हैं IPL के मुंबई इंडियंस ने? ये रोहित शर्मा की कैप्टनशिप में जीते हैं। किसकी? रोहित शर्मा, यानी जो मुंबई इंडियंस के जो कैप्टन हैं वो हैं रोहित शर्मा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। IPL 2019 में किसे ऑरेंज कैप चुना गया? ये ऑरेंज कैप ये बल्लेबाज को दिया जाता है जिसके रन ज़्यादा होते हैं, तो ये ऑरेंज कैप जो दिया गया है ये है डेविड वार्नर। कौन है? डेविड वार्नर को मिला है। ये 3 लोगों को मिली है ऑरेंज कैप, मैं नाम बता देता हूँ। ये है डेविड वार्नर, दूसरे हैं KL राहुल, और तीसरे हैं डीकॉक, क्विंटन डीकॉक। कौन है? पहले हैं डेविड वार्नर जिनके 692 रन हैं, और KL राहुल जो पंजाब की टीम से हैं 593 रन हैं, और जो क्विंटल हैं मुंबई इंडियंस के हैं ये क्विंटन डीकॉक, इनके 529 रन हैं। तो इन 3 को मिला है, और ये हैदराबाद की टीम के हैं,
ये डेविड वार्नर, इन्होंने इनके सबसे ज़्यादा रन है, इनको ऑरेंज कैप मिली है, तीन लोगों को मिली ऑरेंज कैप। एक कैप और होती है पर्पल कैप, जो कि बॉलर में बॉलिंग जो बॉलर होते हैं उनको दी जाती है पर्पल कैप। तो जो सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं, अगला क्वेश्चन उसी से ही है, पर्पल कैप से ही है। तो ये IPL 2019 में सबसे अधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी हैं ये इमरान ताहिर। इमरान ताहिर को ही मिली है पर्पल कैप। क्या मिली है इनको? पर्पल कैप जो है उनको मिली है इमरान ताहिर को। और इनके साथ दो लोगों को और मिली है पर्पल कैप, वो हैं केगिसो रबादा को और दीपक चाहर को। किसको मिली है? केगिसो रबादा और दीपक चाहर को। और ये इमरान ताहिर जो हैं ये चेन्नई सुपर किंग्स के हैं। इन्होंने 26 विकेट लिए थे। कितने विकेट लिए थे? 26 विकेट लिए थे इन्होंने। ये चेन्नई सुपर किंग्स के हैं। और जो केगिसो रबादा हैं ये दिल्ली की टीम से हैं, इनके 25 विकेट हैं इनके नाम। और जो दीपक चाहर हैं ये भी चेन्नई सुपर किंग्स के हैं, इनके नाम 22 विकेट हैं। तो ये ऑरेंज और पर्पल कैप की बात हो गई है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अगर आप लोगों को समझ आ रहा हो तो सभी लोग लाइक कर दीजिए एक बार। किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से 10 जून 2019 को संन्यास लिया था? ये युवराज सिंह ने संन्यास लिया था 10 जून 2019 को। बेहतरीन बॉलर, फील्डर और गेंदबाज, जो कि ऑलराउंडर ये कहे जाते हैं, इन्होंने 10 जून 2019 को संन्यास ले लिया था। और ये इनके बारे में, जो इनको कैंसर से भी पीड़ित थे ये, जिन्होंने कैंसर से अपनी बहुत ही अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया है कैंसर को लेकर के, तो इस बीमारी पर जीत इन्होंने हासिल की है कैंसर में। 25 साल तक इन्होंने क्रिकेट में अपना जीवन दिया है और इनको काफ़ी अवार्ड भी मिले हुए हैं। जो इम्पोर्टेंट है इनके बारे में वो मैं बता देता हूँ, इनको अर्जुन अवार्ड भी से भी मिल चुका है इनको, इनके बेहतरीन प्रदर्शन के लिए। इनको 2012 में अर्जुन अवार्ड मिला था युवराज सिंह को, और 2014 में इनको पद्मश्री मिला था। क्या मिला था? 2012 में अर्जुन अवार्ड, ये क्वेश्चन आता है, और 2014 में इनको पद्मश्री भी मिला था। और जब 2011 का जो वर्ल्ड कप हुआ था अपने यहाँ, जो 2011 में वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें इनको मैन ऑफ द सीरीज़ चुना गया था। क्या चुना गया था? मैन ऑफ द सीरीज़ 2011 के वर्ल्ड कप में युवराज सिंह को चुना गया था। और ये पहले विश्व के ऐसे ऑलराउंडर हैं जिन्होंने 300 रन बनाए हैं और 15 विकेट लिए हैं। तो ये पहले ऐसे ऑलराउंडर हैं इनके सबसे ज़्यादा रन है, सबसे ज़्यादा विकेट है। उम्मीद है कि सभी को समझ आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। किन दो देशों ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने का दर्जा 23 अप्रैल 2019 को प्राप्त किया है? ये एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने का दर्जा प्राप्त कर लिया है नामीबिया और पापुआ न्यू गिनी ने। किसने? नामीबिया और पापुआ न्यू गिनी ने ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलने का दर्जा प्राप्त कर लिया है। अब ये लोग भी इंटरनेशनल क्रिकेट खेल सकते हैं, ये टीमें। मैंने नामीबिया के बारे में आप लोग को बता दिया है। नामीबिया की जो कैपिटल है वो है विंडहॉक, और नामीबिया के जो करेंसी है वो है नामीबियन डॉलर, और नामीबिया के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है हेग जेनिगोब। कौन है? हेग जेनिगोब। और यहाँ पर बात आ रही है पापुआ न्यू गिनी की। पापुआ न्यू गिनी ये ओशियन कंट्री है, और पापुआ न्यू गिनी जो है इसके जो PM है पापुआ न्यू गिनी के, वो हैं जेम्स मरापे। कौन है? जेम्स मराप। और पापुआ न्यू गिनी की कैपिटल जो है वो है, पापुआ न्यू गिनी कैपिटल है मोर्ट मॉरेसबी। कौन है? पोर्ट मॉरेसबी। पापुआ न्यू गिनी की कैपिटल है पोर्ट मॉरेसबी। और ऊपर के क्वेश्चन में मैंने कुछ गलत बोल दिया था, जो नामीबिया की जो नामीबिया जो है ये एशियन कॉन्टिनेंट में है। कहाँ पर है? एशियन कॉन्टिनेंट में है। और पापुआ न्यू गिनी है ये ओशियन कॉन्टिनेंट में, ये एशियन कॉन्टिनेंट में, एशिया के कॉन्टिनेंट में, और पापुआ न्यू गिनी ये ओशियन कॉन्टिनेंट में। तो ऊपर के क्वेश्चन में शायद कुछ गलत बोल दिया था मैंने, इसको ओशियन बोल दिया था, आप लोग देख लीजिएगा, वो गलत निकल जाता है मुँह से कभी कभी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC टेस्ट चैंपियनशिप गदा 1 अप्रैल 2019 को किसे लगातार तीसरे वर्ष किस देश को प्रदान किया गया? ये जो टेस्ट चैंपियनशिप गदा मिलता है ये किसको मिला है? ये जो तीसरी बार मिला है ये भारत को मिला है, और इसमें 7 करोड़ की राशि इंडियन क्रिकेट टीम को मिली है। जो 7 करोड़ की राशि, जो कि बहुत है, इंडियन क्रिकेट टीम को मिली है ये। और इसी के साथ ही ICC टेस्ट रैंकिंग में इंडिया पहले नंबर पर है। ICC टेस्ट रैंकिंग में इंडिया पहले नंबर पर है, और दूसरे नंबर पर जो है वो है न्यूजीलैंड, और तीसरे नंबर पर है साउथ अफ्रीका, और चौथे नंबर पर है इंग्लैंड, और पाँचवें नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया। आपको सिर्फ जो टॉप 3 होंगे वही याद रखने हैं। पहले नंबर पर है इंडिया टेस्ट क्रिकेट में,
टेस्ट रैंकिंग में, आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में। दूसरे नंबर पर है न्यूजीलैंड, तीसरे नंबर पर है साउथ अफ्रीका। तो ये सीरियल वाइज ये टेस्ट रैंकिंग आप लोगों को याद रखनी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 है क्वेश्चन नंबर। 24 से 27 फरवरी 2019 को आयोजित की गई T20 श्रृंखला भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच, इस श्रृंखला में किसे मैन ऑफ द सीरीज चुना गया? इस श्रृंखला में किसको मैन ऑफ द सीरीज चुना गया था? ये है ग्लेन मैक्सवेल को। किसको चुना गया था? ग्लेन मैक्सवेल को। ये श्रृंखला जो आयोजित की गई थी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच की गई थी, इसमें ऑस्ट्रेलिया विनर रही थी और इसमें जो मैन ऑफ द मैच जो सीरीज़ थे वो थे ग्लेन मैक्सवेल, और इनको 2 बार मैन ऑफ द मैच भी मिल चुका था और 1 बार मैन ऑफ द मैच नाथन कुल्टर नाइल को मिला था। किसको? नाथन कुल्टर नाइल को 1 बार मैन ऑफ द मैच मिला था इसी सीरीज़ में, और 2 बार मैन ऑफ द मैच इनको मिला था ग्लेन मैक्सवेल को, और मैन ऑफ द सीरीज़ भी इन्हीं को मिली थी। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा सभी को। क्वेश्चन नंबर 10। इंग्लैंड के किस क्रिकेटर को बकिंघम पैलेस द्वारा 27 फरवरी 2019 को नाइटहुड की उपाधि प्रदान की गई? ये एलिस्टेयर कुक को नाइटहुड की उपाधि प्रदान की गई है बकिंघम पैलेस में। ये इंग्लैंड में दी जाती है, ये जो क्रिकेट में बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं उन लोगों को दी जाती है ये नाइटहुड की उपाधि, और ये 2007 के बाद अब दी गई है, जो कि काफ़ी लंबे समय के बाद दी गई है। एलिस्टेयर कुक को मिली है ये, और ये पूर्व क्रिकेटर हैं इंग्लैंड के। इनसे पहले 2007 को दी गई थी, जो इंग्लैंड के क्रिकेटर थे उनका नाम है इनाय बाथम को दी गई थी। ये इनाय बाथम जो थे, मैं लिख कर पा देता हूँ, इनाय बाथम। इनसे पहले ये नाइटहुड की उपाधि इनको मिली थी, और ये जो एलिस्टेयर कुक को मिली है, जो ब्रिटेन की जो महारानी है एलिजाबेथ सेकंड, उन्होंने इनको एक मेडल दिया था, तो ये उपाधि से इनको नवाजा गया है। अब इनको सर की उपाधि मिल चुकी है। और इनके जो बात करते हैं कि टेस्ट क्रिकेट में इनके जो रन थे वो 5वें नंबर पर आते हैं, ये टेस्ट क्रिकेट में इनके सबसे ज़्यादा 5वें नंबर पर आते हैं। इनसे ऊपर 4 लोग और हैं, तो सबसे पहले तो सचिन तेंदुलकर हैं, दूसरे नंबर पर है रिकी पॉइंटिंग, तीसरे नंबर पर है जैक कैलिस और राहुल द्रविड़ 4थे नंबर पर है, फिर 5वें नंबर पर इनका नाम आता है टेस्ट क्रिकेट में रैंकिंग में, तो इनके सबसे ज़्यादा रन है, जो कि ये विश्व में 5वें नंबर पर खिलाड़ी हैं। इन्हीं को नाइटहुड की उपाधि से नवाजा गया। इनका नाम है एलिस्टेयर कुक। क्या नाम है? एलिस्टेयर कुक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। किस देश की क्रिकेट टीम ने अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच में सर्वोच्च स्कोर का रिकॉर्ड 23 फरवरी 2019 को बनाया है? ये सर्वोच्च स्कोर का रिकॉर्ड किसने बना लिया है? ये बनाया है अफगानिस्तान ने। किसने बनाया है? अफगानिस्तान ने ये सर्वोच्च रिकॉर्ड का बनाया है, अपना सर्वोच्च स्कोर का रिकॉर्ड बनाया है। इसके 278 रन थे जो कि इन्होंने मैच खेला था आयरलैंड के खिलाफ, तो आयरलैंड 194 पर ही सिमट गई थी, और इनके 278 रन बनाए थे, जो कि T20 में अब तक किसी ने नहीं बनाए इतने रन। और इनके जो एक प्लेयर हैं हजरतुल्ला जजाई, क्या नाम है? हजरतुल्ला जजाई, मैं लिख करवा देता हूँ, हजरतुल्ला जजाई। इन्होंने बहुत लंबी पारी खेली थी, इन्होंने 169 रन नाबाद बनाए थे, क्योंकि तो बहुत लंबी पारी इन्होंने यहाँ तक इतना स्कोर लेकर के आए थे। ये जो ओपनर थे ये नाबाद, इन्होंने 169 रन बनाए थे, तो ये इनका नाम इम्पोर्टेंट है, हजरतुल्ला जजाई, जो अफगानिस्तान के क्रिकेटर हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, आज का लास्ट क्वेश्चन। भारत के कौन से बल्लेबाज T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज 8 फरवरी 2019 को बन गए हैं? ये बन गए हिटमैन के नाम से मशहूर रोहित शर्मा। कौन है? हिटमैन के नाम से मशहूर रोहित शर्मा। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय T20 में सबसे ज़्यादा इन्होंने रन बनाए हैं, और इनके नीचे जो नाम आता है वो है मार्टिन गुप्टिन का, गुप्टिल, और तीसरे नंबर पर आते हैं शोएब मलिक। तो पहले नंबर पर रोहित शर्मा, दूसरे नंबर पर है मार्टिन गुप्टिन, और तीसरे नंबर पर है शोएब मलिक। तो ये 3 नाम इंपॉर्टेंट हैं, जो कि टॉप 3 ही पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ICC के बारे में, इनके हेडक्वार्टर और BCCI का हेडक्वार्टर। ICC की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। क्या होती है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका हेडक्वार्टर है दुबई में, और इसके जो चेयरमैन है वो है शशांक मनोहर। कौन है? शशांक मनोहर। ICC के चेयरमैन है शशांक मनोहर। अब बात करते हैं BCCI की। BCCI की फुल फॉर्म होती है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। क्या होती है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो अभी बनाए गए हैं, जल्द ही वो सौरभ गांगुली जी को बनाया गया है। इसके प्रेसिडेंट अपने पूर्व क्रिकेट इंडियन टीम के कैप्टन रह चुके सौरभ गांगुली को बनाया गया है इसका प्रेसिडेंट। और BCCI का हेडक्वार्टर आप सभी को पता होगा मुंबई के अंदर है। तो ये थे क्रिकेट से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट
फैक्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो भी बचे हुए क्वेश्चन रहेंगे वो मैं कल के वीडियो में कवर कराने की कोशिश करूँगा। आप लोग साथ बने रहिए, साथ जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक करिए, मेरा मोटिवेशन बनाए रखिए। देखते हैं कल का होमवर्क क्वेश्चन। कल का होमवर्क क्वेश्चन था RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। ये RBI का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था ये मैंने आप लोगों को कई बार बताया हुआ है। चार ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं आपके सामने, जो राइट आंसर है आपका 1 जनवरी 1949। 1 जनवरी 1949 को RBI का राष्ट्रीयकरण हुआ था और 3 अप्रैल 1935 को RBI का वो हुआ था। 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को, और 1 जनवरी 1949 को RBI का राष्ट्रीयकरण हुआ था। और RBI के जो गवर्नर है वो है शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास। चलते हैं आज के होमवर्क क्वेश्चन की तरफ। आज का होमवर्क क्वेश्चन है, विश्व भर में अर्थ आवर डे कब मनाया गया। ये मैंने इसके बारे में आप लोगों को डिटेल में सब कुछ बताया हुआ था। आप लोग अगर ध्यान से देखते होंगे तो आपको पूरी डिटेल इसकी पता होगी। तो जितने अभी कुछ आपको इसके बारे में पता हो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आपके चार ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, 2 मार्च 2019, 3 फरवरी 2019, 1 जनवरी 2019 या 31 मार्च 2019। जो भी राइट आंसर हो आप लोग पूरी डिटेल के साथ इसमें क्या क्या हुआ था तो पूरी डिटेल के साथ आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, जिससे कि आपके दिमाग में चीज़ें रुकी रहें। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरा मोटिवेशन बनाए रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।